Hey guys, very good morning and welcome back to my channel. So, आज बहुत धमाकेदार वीडियो आने वाला है, जैसा कि टाइटल तुम लोग ने पढ़ लिया होगा, थंडरबर्ड 350X वर्सेस बुलेट 350 का. बहुत दिन से डिमांड में वीडियो था तो मैंने सोचा ले आते हैं कुछ अच्छा कंटेंट. वीडियो शुरू करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें. एक्चुअली मैं कल शाम को घर से निकला, बहुत दिन से मैं 20 तारीख के बाद से निकला नहीं, पहली चीज़. दूसरी चीज़, जब मैं निकला शाम को कुछ सामान लेना था, बहुत मतलब इतने दिन से निकला नहीं, तो कुछ खाने पीने का और घर का सामान राशन टाइप का तो लेना था. मैं निकला शाम को, मैंने देखा यार लोग रोड पे खड़े होकर पतंग उड़ा रहे हैं, ग्रुप में खड़े होकर बातें कर रहे हैं, मतलब लॉकडाउन का कोई पालन ही नहीं कर रहा है. और ये इन लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं. ये आपकी सेफ्टी के लिए किया गया है. अगर आपको लगता है कि ज़बरदस्ती तोपा गया है तो गलत हो आप बिल्कुल. ये आपकी सेफ्टी के लिए किया गया है और आपको इसको फॉलो करना है. तो जो मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ यार, बिल्कुल थोड़ा बहुत भी मानते हो ना तो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, फॉलो करो यार, घर पे रहो, घर से बाहर मत निकलो. और दूसरी चीज़ ये कि मैं घर से बाहर कहीं नहीं निकला हूँ, वीडियो मैंने पहले शूट कर रखे थे, वही एडिट करके अभी डाल रहा हूँ. सो प्लीज़ वीडियो पे ये कमेंट मत करना यार कि मैं बाहर क्यों निकला हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकला हूँ. लास्ट वीडियो में भी मैंने डाला, लेकिन फिर भी इसके बावजूद लोगों ने कमेंट कर ही दिए कि भाई लॉकडाउन में बाहर निकले हो तुम, फॉलो नहीं कर रहे हो. तो मैं यार लॉकडाउन में घर ही पे हूँ, कहीं बाहर नहीं निकला हूँ, वीडियो पहले का शूट है, प्लीज़ ये कमेंट मत करना, निवेदन है आपसे. और वीडियो में मैंने GPS अटैच कर दिया, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी टॉप स्पीड पे GPS एरर देखने में कि बुलेट और थंडरबर्ड दोनों टॉप स्पीड में कितना एरर देती हैं या रियल टॉप स्पीड दोनों की कितनी है. वैसे मीटर में भी देख लेना कि मीटर कितना शो करता है उस टाइम पे. और वीडियो देख लो पहले. This is the future. This is the future. तो आप लोग इतने धुआंधार कमेंट के बाद आखिर हम लोग वो परफॉर्मेंस लेके आ ही गए हैं, थंडरबर्ड 350X और बुलेट 350 की. इसका स्पीडोमीटर हो सकता है आपको प्रॉपर ना दिखे, इसके लिए मैं GPS अटैच कर दूंगा, वहां से आप स्पीड मेजर कर सकते हो और देखना है कि इन दोनों में कौन सी बाइक परफॉर्मेंस में जीतती है. तो अभी हम लोग को भी नहीं पता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा भी नहीं है YouTube पे और हमने किया भी नहीं है, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं. और एक्चुअली अगर देखते हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया भी होता है, बट अभी हमें बिल्कुल आइडिया नहीं कि कौन सी बाइक जीतने वाली है. बट फिर भी कोशिश तो पूरी करूँगा कि चटनी इस बार तुम चाटो. कोई बात नहीं यार, समोसा बहुत अच्छा लगता है मुझे. ब्रेड पकौड़े के साथ चटनी चाटना इस बार. चटनी चाटेंगे पूरा अच्छे से, लप लप आते हुए चले. हाँ दिल्ली, थैंक यू के पापा. और लास्ट टाइम ये जब आई थी तो इसमें एग्जॉस्ट जो लगा था वो नॉर्मल लगा हुआ था, इस बार थोड़ा सा चेंज है. पहले मैं आपको साउंड दिखा देता हूँ. बहुत शौकीन आदमी है जिन्होंने ली है, तो सबसे पहले इसका एग्जॉस्ट चेंज कराया उन्होंने ताकि दुख दुख का फील आए उन्हें. अब दुख दुख का फील आता है उन्हें तो लगता है कि बुलेट चला रहे हैं.
अबे क्या रे, ये तो लग रहा था हम लोग क्रूजिंग कर रहे हैं आपस में, क्या नाम है, रेस नहीं कर रहे, क्रूजिंग कर रहे आपस में यार। तो देख लीजिए आप लोग, एकदम हेड टू हेड अगल बगल चल रही थी दोनों गाड़ियां, विनर घोषित करना मुश्किल है, बट इनिशियल थोड़ा सा ठीक था। अब लॉन्च देखते हैं क्या निकल गई थी, वो लॉन्च में पता चलेगा अभी कि इनिशियली क्यों निकली थी। हाँ। मेरी वजह से या बाइक की वजह से? नहीं ऑब्वियस बात है तुम्हारी वजह से, तुम बहुत पहले से करते आ रहे हो, तुम्हारी आदत बहुत अच्छी है। नहीं, हो सकता है बाइक का भी हो सकता है, बट मुझे जहाँ तक लगता है 20% तुम्हारी शिफ्टिंग की वजह से, क्योंकि इसमें एक तो आरपीएम नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता, इसमें भी नहीं है तो पता नहीं चलता है, तो शिफ्टिंग वजह से प्रॉपर ऑब्वियस बात है, बट लास्ट में दोनों ऐसे ही थी। मजा आया, मैं सोच रहा हूँ कहाँ रुके हम लोग, मैं भी सोच रहा था कि ये कुछ हो तो रहा नहीं है इसमें, करे क्या। फाइनली ये निकल गई, चलिए स्टार्ट करते हैं राइडर चेंज करके देखते हैं, क्योंकि मेरा वेट भी ज्यादा था, ये भी मायने रखता है, वेट ज्यादा होने के बाद भी आगे आई, मतलब इन गाड़ियों पे वेट का उतना असर नहीं पड़ता, असर पड़े नहीं, थोड़ा तो पड़ता है, अभी देखते हैं, अभी पता चल जाएगा, कोई भी चीज पे अभी पता चलेगा। तो अभी राइडर शिफ्ट हो गए हैं और अभी देखना है कि जो इनिशियल में आगे निकली थी वो शिफ्टिंग की वजह से निकली थी या रियल में सही में पावर है इसमें। बाकी ओवरऑल दोनों बाइकें आपने देखा कि इक्वली हैं, इक्वल परफॉर्म दिया दोनों बाइकों ने, थोड़ा सा ये आगे थी थोड़ा सा वो आगे थी, बस यही हो रहा था कंटिन्यू। तो अभी देखते हैं, तो पिकअप मुझे लग रहा है हा? उसका पिकअप मुझे लग रहा है सही है, चले तो आप लोगों ने देखा कि दोनों में ऑलमोस्ट सेम पावर है, ऑलमोस्ट सेम, तो शिफ्टिंग में थोड़ा सा वो था स्टार्टिंग में, मैंने थंडरबर्ड भी आगे निकाली, बट दोनों में ऑलमोस्ट सेम पावर है, तो दोनों कवर अप कर लेती हैं, बराबर आ जाती हैं, और फिर टक्कर शुरू होती है एयर प्रेशर का मेन, कि कौन आगे निकलता है, फिर दूसरी आगे निकलती है, फिर दूसरी स्प्लिट स्ट्रीमिंग करके आगे निकलती है, यही चलता रहता है। बट लास्ट में थंडरबर्ड जीत गई, मैंने जिता दिया थंडरबर्ड को, क्योंकि रास्ता खत्म हो गया था, तो इसका मुझे एडवांटेज मिला, मैं जीत गया, इनको मौका नहीं मिला स्पीड स्ट्रीमिंग करने का, रास्ता खत्म होने का एडवांटेज। लेकिन आज रॉयल एनफील्ड चला के पहली बार बहुत मजा आया मुझे, मजा आया भाई। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यहाँ पे देख लो, बाइकर सूरज वर्मा फॉलो करो यार, भाई की फोटोज आती रहती हैं, धमाकेदार स्टेटस आते रहते हैं, लाइक करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। या देख लो कुंदर का चेहरा पहली बार दिख रहा है इधर बिना हेलमेट के, ऐसा कुछ नहीं, बहुत बार देखा है, एक बार ऐसे करो, वो फेमस हो जाओगे जोमेटो बाइक तरह से।
अच्छा तुम ही कर दो नहीं, नहीं तुमने वो बहुत बढ़िया किया था, अच्छी लग रही है ये कर रहा है, देखो ये हंस रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो अवेंजर चला के कैसा लग रहा है पहली बार? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। जितनी जितनी इतने दिनों में मैंने नहीं चलाई थी उतनी एक बार में हम चला गए। ये लड़का 10 मिनट कर रहा अपना वीडियो 10 मिनट कर रहा हूं ये लड़का 10 मिनट कर रहा वीडियो।